कल चुनाव से संबंध सभी प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर की मीटिंग हुई थी और उसमें तैयारी का जायजा लिया गया था। उसी मीटिंग के अंदर सबको आइडेंटिटी कार्ड, जितने भी हमारे डेलीगेट्स चुने गए हैं जो 9000 से भी ज़्यादा है, वो दिए गए थे। आइडेंटिटी कार्ड इस तरह से हमने सबके QR कोड के साथ में तैयार किए हैं, जो अगली 20 तारीख से पहले सभी स्टेट के अंदर सभी प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर उन डेलीगेट को देंगे। मैंने फिर से कहा था और उसको दोहरा रहा हूँ, जिनकी कोई कंप्लेन थी कि अगर हम नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं और दूसरे स्टेट के हमको 10 सपोर्टर चाहिए, तो वो हमको कहाँ से, अगर जो नॉमिनेशन वोटर्स लिस्ट हमको नहीं मिलेगा या नहीं देखने मिलेगा तो हम कैसे करेंगे, उसका जवाब फिर से कहता हूँ मैं। ये आइडेंटिटी कार्ड है, जो डेलीगेट होंगे उनको ही पास ये आइडेंटिटी कार्ड होगा। आप किसी भी स्टेट के 10 लोग जो आप चुनना चाहते हो अपने सपोर्टर के तरह, तो उनसे आप पूछ लोगे कि आपके पास में आइडेंटिटी कार्ड है क्या ये, अगर जो हाँ बोलता है तो वो हमारा वोटर है, डेलीगेट है और उसकी साइन वैलिड है। दूसरा, हमने ये भी किया है यहाँ पर कि 20 तारीख के बाद जो लोग नॉमिनेशन करना चाहते हैं या जो लोग 10 सपोर्टर दूसरे स्टेट के अंदर से लेना चाहते हैं अलग अलग स्टेट से, वो हमारा वोटर लिस्ट जो है वो वोटर लिस्ट के अंदर से यहाँ पर आकर देख सकते हैं और वो ओली वोटर लिस्ट यहाँ पर होगा। ये दूसरा है सर, हमारे जो PRO है प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर, वो जाके डेलीगेट की मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग के अंदर प्रदेश के प्रेसिडेंट और AICC के प्रेसिडेंट, उसके ऑथोराइजेशन कांग्रेस प्रेसिडेंट को देंगे। मैं साफ करना चाहता हूँ क्योंकि कल सेक्शंस ऑफ पीपल के अंदर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, जो आज न्यूज़ मुझे पता चला है उसमें, कि इस रिजोल्यूशन की प्रोसेस से कांग्रेस पार्टी के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट के चुनाव के ऊपर कोई असर नहीं है, कोई बैरिंग नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर 24 तारीख से 30 तारीख तक यहाँ नामांकन होगा। नामांकन के बाद उसकी स्क्रूटिनी होगी और बाद में विड्रॉल का एक पीरियड है 7 दिन का, वो विड्रॉल पीरियड ख़त्म होने के बाद जो भी लोग जिनका नॉमिनेशन वहाँ पर है और जो विड्रॉल नहीं होते हैं, वो सभी कैंडिडेट
गिने जाएंगे, एक से ज़्यादा अगर कैंडिडेट होंगे तो देश के सभी स्टेट के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में वोटिंग होगा। अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट नॉमिनेशन भरते हैं तो ये आइडेंटिटी कार्ड जो दिए हैं डेलीगेट्स को, वोटिंग करने वाले को ये आइडेंटिटी कार्ड साथ में लेके आना होगा, जिसमें उनके फोटोग्राफ नहीं लगे होंगे, जैसे यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर है, तो जिसके में फोटोग्राफ है उसको आधार कार्ड लाने की ज़रूरत नहीं है, ये कार्ड से वोटिंग करेंगे। जिनने फोटो नहीं भेजे और जिनका कार्ड तैयार हो गया है वो आधार कार्ड और ये कार्ड साथ में ला के वोटिंग करेंगे। मैं फिर से क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसेस के ऊपर रिजोल्यूशन पास करने का कोई भी जो है बैरिंग नहीं है, असर नहीं है। और इनकमिंग जो प्रेसिडेंट है आएंगे, जो भी होगा एक्स वाई जेड वी हैव नो आइडिया, तो उसको वो एक सहूलियत होगी। ये क्लेरिफिकेशंस मैं आपसे करने के लिए आज की ये मीटिंग और आपको मैं बुलाया है। अब आपके मैं सवाल इनवाइट करता हूँ। रेजोल्यूशन पहले पास नहीं हो रहा है, डेलीगेट की जो मीटिंग होगी उसमें स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं वो और AICC जो उसके बाद में आने की जो प्रोसेस है उसके लिए। आने वाले जो नए होंगे निर्वाचित उनको दिया जाएगा। या यस दूसरा, अभी जो प्रदेशों से रिजोल्यूशन पास किए जा रहे हैं, यानी कि जो नए अध्यक्ष चुने जाएंगे सभी राज्य अगर उनको रिजोल्यूशन पास करके कह देते हैं कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष या AICC जो डेलीगेट है वो नामित कर सकते हैं, वो नए अध्यक्ष को बाइंड। यस, नए जो अध्यक्ष हो गए उनके ऊपर उनके अवसर। यस, या 12 सीट, देर आर 25, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इज परमानेंट, CLP द ओपोजिशन लीडर ऑफ द लोकसभा इज ऑल्सो मेंबर, देन देर विल बी 23 सीट, आउट ऑफ 23 सीट 12 सीट विल बी इलेक्टेड, 12 वर्किंग कमेटी मेंबर्स एंड रेस्ट विल बी नॉमिनेटेड बाय द कांग्रेस इनकमिंग कांग्रेस प्रेसिडेंट। जी एक जना होंगे नहीं कहा इन्होंने, हो सकते हैं अगर होंगे तो। फिर से बोलो जरा। हाँ, उसके प्रदेश के लिए, AICC कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए नहीं, सिर्फ प्रदेश के लिए। ओके, डेलीगेट का चुनाव हो गया ना भैया,
AICC डेलीगेट जो है वो बाद में होता, कांग्रेस प्रेसिडेंट नए चुनने के बाद में, नॉट नेसेसरीली, ऐसा जरूरी नहीं है। सर, सर क्या आपने कहा 12 इलेक्टेड सीडब्ल्यूसी मेंबर होंगे, क्या सीडब्ल्यूसी के जो 12 इलेक्टेड मेंबर हैं उनका भी चुनाव होगा क्या इस प्रक्रिया में आगे? और साथ के साथ 23 लोग अगर जो सर्वसम्मति से इकट्ठा होते और चुनाव नहीं चाहते तो नहीं होगा। 23 से बढ़ के 25, 27, 30 हो गए 12 के, तो चुनाव होगा, क्योंकि उसके अंदर 23 में से 11 नॉमिनेटेड होंगे और 12 का इलेक्शन होगा। तो 12 से 13वां अगर जो हुआ, 14वां हुआ, 15वां हुआ, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया और कोई विड्रॉ नहीं करता है तो इलेक्शन होगा 12 लोगों का। वो AICC सेशन के बाद में होगा, AICC सेशन पूरी होने के बाद नेक्स्ट डे इलेक्शन होता है। या थैंक यू वेरी मच। यस, दो चीजें, पहला तो ये कि जो आपने सभी राज्यों में जो 9000 BCC डेलीगेट बनाए हैं, कितनी जगहों पे चुनाव करवाया गया है, एक सवाल। दूसरा सवाल कि जो AICC डेलीगेट चुनने के लिए अधिकृत किया जाएगा भावी अध्यक्ष को, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी है जब आप BCC डेलीगेट बना सकते हैं? तो AICC डेलीगेट भाई, दिस हैज बीन सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, वो BCC डेलीगेट जब चुन सकता है, लिस्ट जारी कर सकता है, तो AICC डेलीगेट क्यों नहीं आप लोग चुन सकते, इसके लिए क्यों? बता रहा हूं। जो 9000 BCC डेलीगेट है उनके चुनाव कितनी जगह पे किया गया है? बाय एंड लार्ज सभी जगह कॉन्सेंसस से हुआ, और इसका जवाब मैंने मेरे एक इंटरव्यू के अंदर बहुत रिपीटेडली कहा गया था, जो हमेशा है, तो कहा प्रूव करने की प्रोसेस करते थे कि ये चुनाव जैसे कोई बायस है या दूसरा कोई है, उसमें मैंने जवाब दिया था। एक जगह मैं आपको वीडियो नहीं बताऊंगा उसके अंदर, लेकिन वहाँ पर कॉन्सेंसस नहीं हुआ, नहीं हुआ, और आप उसका जो वीडियो देखेंगे तो आप दंग रह जाओगे कि जनरल इलेक्शन के अंदर भी जितना इंटरेस्ट नहीं होता है, इतना वहाँ लाइन लग के वोटिंग डाले गए, पुलिस का बंदोबस्त किया गया, चुनाव हुआ, काउंटिंग हुआ, वो सब चीज़ अंडमान निकोबार के अंदर हुई, और उसका वीडियो हमारे पास में उन्होंने भेजा हुआ है, दैट इज़ नंबर वन। ये एक प्रोसेस है हमारी, और ओपन प्रोसेस है इसमें अंदर। प्रदेश इलेक्शन जो कमेटी है और प्रदेश के जो अध्यक्ष है और प्रदेश की जो PCC है, वो PCC अपने आप के अंदर सब इसी है तो तय करती है उसमें से, और रिजोल्यूशन वो एक लाइन का ही होता है कि वी ऑथोराइज कांग्रेस प्रेसिडेंट यू नो टू अपॉइंट अपने PCC प्रेसिडेंट एंड AICC, उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं होता है। हकीकत में जो ये है कि आप सबका जो हमारा तरफ क्या कहें बहुत इंटरेस्ट जो जनरेट हुआ है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, मैं आपको फिर से रिपीटेडली अश्योर कराना चाहता हूँ इसके अंदर कि ये प्रोसेस पूरी ओपन है, ओपन होगी और ओपन रहेगी। आप 17 तारीख को जब इलेक्शन हो तो खुशी से आप अपना जहाँ भी उसको कवर करना चाहते हो वो आप जरूर से करना, नॉमिनेशन हो तब भी कवर करना, विड्रॉल हो तब भी कवर करना, इट्स नथिंग ऑफ हाइडिंग। थैंक यू वेरी मच। दोज हु हैव मोर क्वेश्चन कैन कम टू माय रूम एंड हैव इट, आई विल आंसर टू देम। थैंक्स, नो थैंक्स।